फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कैल्कोलिथिक एज। कुछ इसे कैल्कोलिथिक कहेंगे, कुछ चैल्कोलिथिक कहेंगे, एल्स यू वांट, एल्स यू आर कंफर्टेबल, मतलब जैसा आपको समझ आता है। एक्चुअली ये जो चैल्कोलिथिक है, ये दो वर्ड्स जो आपने पढ़े होंगे, एक तो कैल्को और एक लिथोज, इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट फर्स्ट जहां पर कॉपर के बारे में बताता है, लिथोज आप पढ़ते आ रहे हैं, वो पत्थर या पाषाण के बारे में बताता है। तो कहने का मतलब ये कि अब मानव की यात्रा जो चल रही है, वो पत्थरों का इस्तेमाल करते करते उसे एक नई धातु, एक नई मेटल मिल गई थी, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था कॉपर। कॉपर एक ऐसी धातु है जिसे आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, या कम तापमान पर ही, कम टेम्परेचर देकर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, स्मेल्टिंग कर सकते हैं उसकी, और उसको मोल्ड करके थोड़ा शेप बना सकते हैं उसकी। तो तब आप जानते हैं कि कोई बड़ी बड़ी भट्टियां तो थी नहीं कि आपकी बड़ी फर्नेस है उसमें आप उसको पिघला करके डिवेलप कर लेंगे, जैसे लोहे वगैरह के लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कॉपर जो कि एक मृदु धातु है, मतलब एक स्मूथ मेटल, तो वो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो ये मेटल है, ये मेटल आपको जैसे मैंने बताया कि ये स्मूथ है, कैसी है, ये स्मूथ है, तो इससे बनने वाला जो विपन होगा, जो आप इससे हथियार बनाना चाहते हैं, तो हथियार भी कैसा होगा, वो भी सॉफ्ट होगा, मृदु होगा। यानी आप किसी के पेट में अगर उसकी कोई खंजर दे रहे हैं तो वो सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा नहीं किया कि सीधा आपका कॉपर के हथियार बनाए और उनको इस्तेमाल करने लगे। हमने किया कि जो हमारे पास पाषाण का उपकरण था, सपोज कीजिए ये पाषाण का उपकरण है, या इसको थोड़ा सा ये शेप बना लीजिए, कि मान लीजिए कि ये शेप है आपके हथियार की, और इसके ऊपर आपने जो मोल्डेड आपका कॉपर है उसका एक लेयर आपने इसके चारों तरफ, या इसको शार्पेंड जो इसका एज है उसके ऊपर कवरिंग लगा दी उसकी, जैसे फॉइल की तरह से। तो अब जब इस हथियार का आप इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए कि आप धरती पर इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी जानवर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब ये धारदार हो गया। क्या हो गया, जो आपका स्टोन था, स्टोन को इसने और एज दे दी, एक धार दे दी, जिससे हथियार की मारक क्षमता वो पहले से बेटर हो गई। आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर कोई बड़े उद्योग धंधे, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ पर ये सारी प्रोसेस एकदम से हो जाएगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पाषाण युग में थे, और पाषाण युग से हमने किस एज में आए हैं, हम आए हैं ताम्र पाषाण युग में। और ताम्र पाषाण काल क्या है, जिसमें कि तांबे और पाषाण यानी पत्थर दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। इसे कुछ लोग ई नियोलिथिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ई नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नियोलिथिक एज जो थी, जो नवपाषाण काल था, उस नवपाषाण काल का ही, जैसे ये नियोलिथिक एज है, उसी का आप इसको एक्सटेंडेड पोर्शन मान सकते हैं, कि जैसे फीचर्स वहाँ पर थे, उन्हीं फीचर्स में थोड़ा थोड़ा बदलाव होना शुरू हुआ, और थोड़ा थोड़ा बदलाव होते होते, और ब्रॉन्ज एज आने से पहले, मतलब पाषाण काल और ब्रॉन्ज एज, इन दोनों के बीच का जो ये संक्रमण काल है, दोनों के बीच का ये जो संक्रमण काल है, इस ट्रांजिशन पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण या कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, जैसे भी आपको समझ में आता है, ये उस एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स बहुत सारी हैं, एक ही वीडियो में कवर करना कैल्कोलिथिक को आसान नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं इसको आपको कंप्लीट कर दूं और आप भी इसको रीड आउट करें, इतना काफ़ी नहीं है, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ताम्रपाषाण युग को अगर हम बांटना चाहें, काल को बांटना चाहें, तो हम इसको मेजर साइट्स के रूप में या मेजर जोन के रूप में देखते हैं। जैसे हमने देखा कि पश्चिमी महाराष्ट्र का एरिया है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र का एरिया, इसमें बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे जोरवे है, नेवासा है, दाइमाबाद है,
चंदोली है, सोनगांव है, इनाम गांव है, प्रकाश है, नासिक है। अब ये जो जॉन है, ये सारी की सारी जॉन एक ही नाम जॉर्वे, जो पहला ही नाम है जॉर्वे, इसी के नाम पर इसको हमने जॉर्वे कल्चर कहा। क्या नाम कहा? जॉर्वे कल्चर। एक्चुअली जॉर्वे की जो लोकेशन है, ये लोकेशन है आपकी अहमदनगर जिले में। कहां पर है? अहमदनगर जिले में एक नदी है, वेल नोन, आपने सुना होगा, गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी जो नदी है, उसी की एक ट्रिब्यूटरी या उसकी एक शाखा के रूप में आप ये समझ लीजिए, एक शाखा है उसकी, जिसका नाम क्या है? प्रवरा। क्या नाम है? प्रवरा। इस प्रवरा नदी के लेफ्ट तट पर, मान लीजिए कि प्रवरा है, तो इस प्रवरा का जो लेफ्ट होगा, मान लीजिए ये नदी बह रही है, तो इसका जो लेफ्ट एंड है, तो इसके ऊपर ये जॉर्वे का प्लेस है, और इस जॉर्वे के नाम पर ही इस पूरे कल्चर का नाम जॉर्वे कल्चर पड़ा है। इज इट क्लियर? अभी मैं मैप दिखाऊंगा आपको, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा जोन है, दूसरा जोन पड़ता है आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्या हुआ? मान लीजिए कि ये राजस्थान है, मान लीजिए कि ये राजस्थान है, ये जोन पूरा। तो इस पूरी जोन में ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, इसे आप क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट राजस्थान है। यहाँ पर जो मेन प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? आहार और गिलुंग। आहार में तांबे का काफ़ी जमाव है, और उसी वजह से उसको पुराने समय में एक नाम दिया गया। नाम क्या था? तांबवती। क्या नाम दिया गया उसको? तांबवती। और एक दूसरा प्लेस है, इम्पॉर्टेंट साइट है, गिलुंद। मैं मैप में दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, अभी बताता हूँ उसके बारे में। और एक और साइट है आपकी गणेश्वर की। कौन सी साइट पड़ती है? गणेश्वर की साइट पड़ती है, जो कहाँ पड़ती है? खेतड़ी ताम्रपट्टी पर पड़ती है, जो सीकर और झुंझुनू इलाके में पड़ता है, जो आज का सीकर और झुंझुनू इलाका है, उसी में ये आपका गणेश्वर प्लेस पड़ता है। ये भी इम्पॉर्टेंट साइट है। आगे बढ़ते हैं, जो वेस्ट मध्य प्रदेश है, वेस्टर्न एमपी, वेस्टर्न एमपी में मालवा, बहुत इम्पॉर्टेंट, अपने उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए, यानी जो अर्थन पॉट हैं यहाँ के मालवा के, ये वर्ल्ड फेमस हैं, और इसी के कारण इस पूरी संस्कृति को मालवा संस्कृति नाम दे दिया गया है, क्योंकि उसके जो मृद भांड हैं वो बहुत अच्छी टेक्निक के बने हैं। आप देखेंगे कि पॉट है, और पॉट को काले और लाल रंग से रंगते हुए उसके ऊपर सफ़ेद कलर की, यानी वाइट कलर की जो लाइंस डेवलप की गई हैं, रेखी आकृतियाँ, कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं। मैं दिखाऊंगा, अगर हो सकेगा तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह के पॉट्स होते हैं। अच्छा, मालवा, कैथा, एरन, ये प्लेसेस मेनली इसमें आते हैं। और एक प्लेस आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, साउथ एमपी में पड़ता है, जिसका नाम क्या है? नवदा टोली। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये सारी साइट जो भी मैंने शामिल की हैं यहाँ पर, जो लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी छूट भी गई, लेकिन जो मैं साइट्स आपको बता रहा हूँ आप उनको भी याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी आपका बेस डेवलप होगा, और थोड़ा आप स्टडी करें जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ उनसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पूर्वी भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में कुछ साइट्स हैं, जैसे चिरौंद हो गया। चिरौंद तो आपने पहले भी पढ़ा था, नवपाषाण काल जब आपको पढ़ा रहे थे आपने चिरौंद पढ़ा था, ये बिहार में पड़ता है। ऐसे ही सेनुआर है, सोनपुर है, ताराडीह है, ये सब प्लेसेस कहाँ हैं? बिहार कल्चर के, मतलब बिहार कल्चर नहीं, सॉरी, ये आपका पूर्वी भारत के इलाके में। और उसके आगे आप पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल की जोन में पड़ता है, यानी गंगा का जो पाथ है उस पाथ पर ही आपका पड़ेगा। इसका नाम है पांडू राजा ढिबी, और एक महिष दल के नाम से पड़ता है, तो ये बंगाल की साइड पर पड़ता है। और ईस्टर्न यूपी में, जो यूपी का पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर साइट है खैराडी और नरहन, इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है,
और भी इसके अलावा बहुत सारी साइट है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मेन मेन साइट्स आप समझ लीजिए। तो आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये आपका मेन प्लेसेस हैं, मेन साइट्स हैं जो कि आपके ताम्रपाषाण काल में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लोग टाइम पीरियड के लिए, मैं फिर से आपसे कहूंगा, टाइम पीरियड के लिए आप इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान ना किया करें। एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो ताम्रपाषाण संस्कृति तकरीबन 5000 BC 4000 BC के आसपास से स्टार्ट होती है और मोटा मोटा ये 700 BC के आसपास तक चलती है। इंडिया में कुछ साइट्स जो आप पुरानी भी कहते हैं तो तकरीबन 2700 या 3000 के आसपास जाती हैं, और लास्ट में आपका वो संस्कृति जो ख़त्म होती है तकरीबन 700 600 BC के आसपास समाप्त होती हुई दिखाई देती है। तो इतना आप उसकी टेंशन ना लें, मेन कंसर्न आपका ये होना चाहिए, और वैसे भी यूपीएससी डेट्स को लेकर इतना टेंशन नहीं लेता है, वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछता है वो आपने कभी पढ़े भी नहीं होते, वो आपसे आपसे आपका जो कॉमन सेंस है या जो तथ्य आपने आज तक पढ़े हैं या जिन पैटर्न्स को आपने पढ़ा है, उन पैटर्न्स के बेसिस पर वो आपके कॉमन सेंस को या जो आपकी गिवन कंडीशंस हैं, जिस प्रॉब्लम में उसने आपको फंसाना चाहा है, उससे आप कैसे निकलते हैं, उसका ये मोटिव होता है। वो आपका आपका टेस्ट ये कर रहा है कि आपके ऊपर अगर मैंने कोई प्रॉब्लम डाली तो उस प्रॉब्लम से आप निकलेंगे कैसे, ना कि एक सुपर कंप्यूटर की तरह कि आपने सारे सारे डेटा याद कर लिए हैं और बहुत अच्छे से डेटा आपने याद कर रखे हैं और डेटा को आप जाकर के उगल देंगे बस कॉपी पर तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। फैक्ट्स जरूरी हैं, थियरीज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप चीजों को, जो डेटा आपको पता है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मेंस का आंसर लिखते वक्त आपसे वो ये उम्मीद करता है कि आप अपने डेटा को किस तरह से इस्तेमाल करें और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकें, जो वो उम्मीद करता है आपसे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो सेलिएंट फीचर्स हैं, उनकी बात करते हैं। क्या हैं सेलिएंट फीचर्स इसके? जैसा आप जान रहे हैं कि यहां पर तांबे और पत्थर की वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? तांबे और पत्थर की वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात, ये संस्कृति आपकी ग्रामीण थी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको। एक्चुअली जो साइट्स आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये आपका, मैं जस्ट एक आपको एग्जाम्पल वाइज समझा देता हूँ। ऐसे मान लीजिए ये एक जॉन है जो इंडिया के बॉर्डर पर है, वेस्ट मतलब पश्चिमोत्तर भारत का इलाका। तो यहाँ पर सॉरी आप देखेंगे कि ये जोन जो भारत से बाहर जाती है, जिसमें आप बहुत सारे प्लेसेस देखते हैं, यानी हड़प्पन कल्चर के प्लेसेस देखते हैं, तो ये एज आपकी ब्रॉन्ज एज है, मतलब यहाँ पे हड़प्पन कल्चर चल रहा है। और इसी के पास यहाँ इंडिया के अंदर ये कल्चर जो चल रहा है आपका, कौन सा चल रहा है? ये ताम्रपाषाण चल रहा है। कौन सा चल रहा है? ताम्रपाषाण चल रहा है। तो एक मतलब अजीब सी विडंबना है कि एक पतली सी लाइन उसके दोनों किनारों पर दो अलग अलग एज चल रही हैं और एक संस्कृति जो ताम्रपाषाण है वो ग्रामीण है और इधर जो ब्रॉन्ज है वो कैसी है? वो एक नगरीय सभ्यता है। तो मतलब ताज्जुब होता है ये सोचकर कि ताम्रपाषाणिक लोगों ने नगरीय संस्कृति से इंप्रेस होकर अपने यहां बदलाव क्यों नहीं किया। चलिए इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी बात होगी। अभी इससे आगे बात करते हैं। यहां पर हमें माइक्रोलिथ्स देखने को मिले हैं, यानी छोटे पाषाण के ऊपर और साथ में तांबे का प्रयोग। ठीक है, अगली बात है इसमें इंपॉर्टेंट बात कि चाक पर बने हुए काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग किया गया है। और मैं आपको फिर से बता दूं, मृदभांड जो आपका बना है, मान लीजिए कि ये आपका मृदभांड है, तो ये जो मृदभांड है इसमें इन्होंने कलरिंग करने के बाद यहाँ पर कुछ आकृतियाँ उकेरने की कोशिश की हैं और यहाँ पर एक वाइट पट्टी, मतलब सफ़ेद कलर की
जो पट्टी से कुछ आकृतियां बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हुआ आपका। इसके बाद वो कहते हैं आपसे, मृदभांडों में मुख्य रूप से टोटी वाले जलपात्र कैसे होते हैं? मैंने उस दिन भी आपसे बताया था कि टोटी वाले जलपात्र ऐसे होते हैं जैसे कि आप कोई केतली का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? केतली का इस्तेमाल करते हैं। तो केतली कैसी होती है भैया? मान लीजिए कि ये आपकी कोई पॉट है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, और इस पॉट में ये आप मान लीजिए ये आपकी एक केतली नुमा चीज है, मतलब एक पात्र है, एक यूटेंसिल है, और उसमें एक टोंटी लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे जो बर्तन थे वो देखने को मिले हैं हमें। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि गोड़ीदार तश्तरियां। अब गोड़ीदार तश्तरियां क्या होती हैं? मतलब फुलावट वाली गोड़ीदार तश्तरी, मतलब जिसमें ज्यादा सामान भरा जा सके। आप ये समझ लीजिए, तकरीबन ये ऐसी और ये थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ नीचे उनमें स्टैंड भी लगा होता था। क्या होता था? नीचे स्टैंड भी लगा होता था। ठीक है, तो ये ऐसी गोड़ीदार तस्तरियाँ बनी हुई हैं और ऐसी बाउल्स बने हुए हैं जिनमें स्टैंड लगे होते थे। ठीक है, तो इन्होंने आपसे बात की है, इन मृदभांडों में मुख्य रूप से टोटीदार जलपात्र, गोड़ीदार तश्तरियां और गोड़ीदार ही कटोरे यानी बाउल्स बने होते थे जो स्टैंड के साथ होते थे। इससे अगला पॉइंट आता है, वो कहते हैं आपसे कि यहां पर गाय, भेड़, बकरी, देखिए आप जानते हैं कि भेड़ और बकरी तो पहले से हम लोग पाल रहे थे, और मेहरगढ़ की जो जो नई साइट्स हैं वहां पर हमें बड़े मवेशी भी मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन मेनली आपके गाय बकरी के बाद जो बड़े मवेशी हैं वो सही तरह से कैल्कोलिथिक एज में ही शुरू होते हैं। तो यहाँ पर गाय हो गई, भैंस हो गई या सुअर हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाने लगा। अब है क्या, ये माना जाता है कि ये लोग गाय से दूध का प्रयोग नहीं करते, मतलब गायों को दूहते नहीं थे, सॉरी, यानी मिल्किंग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आपने आदिवासी पीरियड में पढ़ा होगा कि जो खोंड जाति है हमारे यहाँ पर, कौन सी जनजाति है? खोंड। खोंड जनजाति का ये मानना है कि भाई गाय या भैंस का जो बछड़ा या जो भी बोलते होंगे भैंस के बच्चे को, तो वो बछड़ा या जो बछड़ी है वो दूध बछड़े या बछड़ी का ही होता है, क्योंकि गाय का वो बच्चा है तो गाय के दूध पर उसके बच्चे का ही अधिकार होता है, ना कि बाकी लोगों का। तो जैसे उनकी मान्यता थी, हो सकता है कि कैल्कोलिथिक पीरियड के लोगों की मान्यता भी ये रही हो, और इसीलिए वो लोग क्या करते थे, वो जानवरों का इस्तेमाल दूध के लिए ना कर कर किसके लिए करते थे? वो करते थे मीट के लिए। किसके लिए करते थे? वो मीट के लिए किया करते थे। बात समझ आती है? तो आप समझ लीजिए कि जानवरों का इस्तेमाल वो किस लिए करते थे, जिससे कि उन्हें मीट मिल जाए। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट आता है। अब आप कह रहे हो कि पता नहीं ये बातें क्यों बताई जा रही हैं। ये बातें आपको अलग अलग टाइम पीरियड को आसानी से याद करने के लिए बताई जा रही हैं, क्योंकि जब मैं अगला ही पॉइंट अब उठाऊंगा आपके सामने कि घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे, तो घोड़े से परिचित नहीं थे से हमारा क्या मतलब है? हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैल्कोलिथिक पीरियड तक हमें ज्ञान नहीं था। किसका? घोड़े का। और जब हम वैदिक एज की बात करेंगे, जब हम वैदिक युग की बात करेंगे, तब आप देखेंगे कि घोड़ों का प्रयोग बहुतायत में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक या दो एग्जाम्पल अगर आपको कहीं मिल भी जाते हैं घोड़ों के, तो उन्हें आपको नेगलेक्ट करना है जब तक कि आयोग आपसे उस तरह का प्रश्न ना पूछे। आप बात को समझ रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे कि एक जोन से दूसरी जोन में जो चलने वाली चीजें हैं वो पहुंच सकती हैं,
जैसे घोड़ा ही है, तो हो सकता है कि किसी और एज का घोड़ा और आपके क्षेत्र तक पहुंच जाए, लेकिन जब तक वो बहुतायत में नहीं पाए जाते तब तक हम उन चीज़ों को उस पहचान के रूप में नहीं रखते उस पीरियड की। तो वैदिक एज घोड़ों के लिए पहचाना जाता है। लोहा कौन सी एज में आया? लोहा आपका आया वैदिक एज में, लेकिन कौन सी वैदिक एज में मैं बताऊंगा टाइम आने पर, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी आप क्लियर कर लीजिए कि घोड़ों से इनका कोई भी परिचय नहीं था। किनका परिचय नहीं था? कैल्कोलिथिक एज वालों का। इज इट क्लियर? आपको दाएं बाएं नहीं जाना है, जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट आता है इसके बाद गाय। अच्छा, ये मैं बता चुका हूं, हिरण का वो शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे? हिरण का शिकार करते थे, और ऊंट के भी कुछ अवशेष मिले हैं। देखिए, ऊंट को पालने की बात नहीं कही गई, पालने की बात किसको की गई है? गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस को। लेकिन हिरण का वो शिकार करते थे और ऊंट के अवशेष मिले, मतलब एक या दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो वो अगर पूछा जाए उस संदर्भ में तब आप आंसर करें, ठीक है? उसके बाद अगर हम फसलों की बात करें कि उनकी जो मुख्य फसल थी, क्योंकि हम जानते हैं नवपाषाण काल में क्रॉपिंग होनी शुरू हो गई, तो कैल्कोलिथिक एज में गेहूं, चावल और बाजरे की खेती होने लगी थी। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपका वेस्ट का एरिया है, जो वेस्ट का एरिया है या नॉर्थ का एरिया है, यहाँ की मुख्य फसल जो थी वो थी गेहूं। कौन सी फसल थी? गेहूं थी। लेकिन जब आप पूर्व की तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट में क्या आ गया आपका? जैसे कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सॉरी, ये बिहार हो गया और बंगाल हो गया। इस जोन में आप देखेंगे कि चावल आज से नहीं, पहले से ही पसंद किया जाता था। वहां पर चावल बहुतायत में होता था, और चावल के साथ वो लोग मछली का इस्तेमाल करते थे भोजन के रूप में, ठीक है? और ये आज भी आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आज भी गेहूं ज़्यादा पसंद किया जाता है इन या वेस्ट में, इन कंपैरिजन टू राइस, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका, जैसे बाजरा। तो बाजरा आप समझ सकते हैं कि कहाँ होगा, जहाँ थोड़ा सेमी एरिड एरिया होगा, यानी अर्ध शुष्क एरिया आप समझ सकते हैं कौन सा है, बता दूंगा मैं, आप खुद भी थोड़ा अंदाजा लगाएं। और दालों में मसूर, उड़द, मूंग, मटर, ये सब दालें, ये इन्हें जिन्हें दलहन कहते हैं, ये सब वो उपजाते थे, ठीक है? एक प्लेस आता है नवदा टोली। हाँ देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। बेर और अलसी, बेर और अलसी को उपजाने के साक्ष्य नवदा टोली से मिलते हैं, जो साइट आपकी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की साइट है ये मध्य प्रदेश की साइट है, सदर्न एरिया की। और अब बात आती है कि घर कैसे बनाते थे इनके। जो घर होते थे ये क्या करते थे, तो जो घर बनाए इन्होंने, तो ये दीवारें जो बना रही हैं ये कच्ची ईंटों की हैं। किसकी हैं? कच्ची ईंटों से मिलकर दीवारें बनी हैं, और ये जो दीवारें बनी हैं इनके ऊपर इन्होंने मिट्टी का लेप लगाकर इसको आगे बढ़ा दिया, और बनने के बाद इसके ऊपर इन्होंने क्या किया? छप्पर डाल दिया। क्या किया? छप्पर डाल दिया। और ये थोड़ा गोल आकार के होते थे। कॉमनर्स के जो घर होते थे, जो आम आदमी थे, जन सामान्य, उनके घर कैसे होते थे? गोल आकार के होते थे। और इसके बाद जो गांव के गणमान्य लोग होते थे या सरदार होते थे, उनके हाउसेस कैसे होते थे? उनके हाउसेस होते थे आयताकार, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, ठीक है? रेक्टेंगुलर शेप में इनके घर पाए गए हैं, जो लोग सरदार थे या मुखिया थे घर के, सॉरी गांव के जो मुखिया होते थे या उनके नातेदार जो थे,
उन सब के घर कैसे होते थे? उनके घर होते थे आपके रेक्टेंगुलर। इससे क्या पता लगता है आपको? इससे आपको सोशल डिफरेंसेस पता लगते हैं। क्या पता लगते हैं? सोशल डिफरेंसेस, यानी सामाजिक जीवन में असमानता देखने को मिलती है। अमीर गरीब, ताकतवर कमजोर, ये डिवीजन आपको कहाँ मिलता है? कैलकुलेटिक एज में देखने को मिलता है। और ये मैं बताऊंगा कि क्यों दिखाई दिया। एक्चुअली जो रेक्टेंगुलर शेप के घर थे वहाँ पर कुछ बॉक्सेस या कुछ पॉट्स ऐसे मिले जिसके अंदर उन्होंने तांबे की कुछ चीज़ें रखी हुई थी, तांबे के कुछ सामान रखे हुए थे। और तांबे के सामान को एक कलेक्शन के रूप में या एक डिपॉजिट के रूप में रखने का मतलब ये है कि उस समय की जो सबसे महंगी मेटल थी, हम लोग जो महंगा होता है सामान उसी को संभाल कर रखते हैं, बाकी तो सब चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो अगर उन्होंने जो कॉपर की बनी हुई चीज़ें थी उनको संभाल कर रखा था जिन घरों में, तो इससे पता लगता है कि वो कौन लोग थे। वो वहाँ के ऐसी जातियाँ थी या ऐसे ऐसे लोग थे जो पावरफुल लोग थे, जो ताकतवर थे। तो उन लोगों के पास ऐसे सामान रखे हुए थे। और उनके हाउसेस किस तरह के बने हुए थे? उनके हाउसेस इस तरह के बने हुए थे जो रेक्टेंगुलर शेप के थे। इज इट क्लियर? चलिए, तो इससे ये तो पता लगता है कि वहाँ पर जो पावर का डिवीजन था वो असमान था। और इससे अगला पॉइंट हमारा आता है, इससे अगला पॉइंट आता है वृषभ। वृषभ जिसे बुल कहते हैं, तो बुल की जो फिगरेंस हैं यानी जो मूर्तिकाएं हैं वो हमें मिली हैं। और उससे ये पता लगता है कि शायद वो इसे इस्तेमाल करते होंगे, जैसे हम लोग भगवान की पूजा के लिए कुछ मूर्तियां बनाते हैं। तो इसका मतलब जो वृषभ है यानी बुल, वो उनके धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ये एक सिंबल था उनका, रिलीजियस सिंबल, जिसकी वो पूजा करते थे। हाँ, एक टॉपिक ऊपर रह गया, मातृ देवी। मातृ देवी यानी जो बहुत सारी हमें मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं या आकृतियाँ मिली हैं, वो ये बताती हैं। और इनाम गांव से तो हमें स्पेशल एक मिली है मूर्ति, वो करेंगे डिस्कस आपसे, जो वेस्टर्न एशिया से मैच करती है। तो इसी ये पता लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं आस्था, जो आस्था थी उनकी, वो मदर गॉडेस की थी, यानी वो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद। अच्छा, ये पॉइंट बनाया हुआ मैंने, देखिए। सामाजिक विभेद, हाँ बिल्कुल, सामाजिक विभेद हमें साफ दिखाई देता है। आयताकार घरों के लोग कुलीन वर्ग या प्रभुत्व संपन्न लोग थे। मैं बता चुका हूँ, मैंने लास्ट स्लाइड में ही वो बात डिस्कस कर ली आपसे, तो आपको ये पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। और गोल आकार वाले लोग जो झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे वो आम लोग यानी कॉमन लोग थे। इज इट क्लियर? तो एक तो सामाजिक विभेद देखने को ये मिल जाता है, और सामाजिक विभेद में और भी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एक प्लेस से हमने ये देखा है, ये आपका पश्चिमी महाराष्ट्र की जो चंदौली प्लेस है, पश्चिमी महाराष्ट्र में चंदौली और नेवासा दो साइट हैं। वहाँ पर जो शव हैं, बच्चों के शव, किसके शव हैं? बच्चों के। तो बच्चों के शवों में हमें जो बरियल है उनका, जो उनका शवाधान है, उसमें हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले। दोबारा से याद दिला देता हूँ, वो प्लेसेस कौन कौन से हैं। एक प्लेस मैंने आपको बताया, था उसका, क्या नाम था उसका, अरे आई फॉरगेट द नेम संभव। तो एक प्लेस है आपका, हाँ, चंदौली। चंदौली में और नेवासा में हमें बच्चों के जो शव मिले हैं, उन शवों में डिफरेंसेस देखने को मिले। डिफरेंसेस ये हैं कि उनके गले में जो मालाएं पड़ी हैं, गले में जो माला पड़ी हैं, कुछ बच्चों के गले में माला पड़ी हुई है तांबे की, मतलब तांबे की चीज़ों की बनी हुई एक माला,
और कुछ बच्चों के गले में ऐसा नहीं देखने को मिला, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके गले में तांबे की माला पड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि तांबा जो है उस वक्त एक प्रीशियस मेटल रहा है, एक यू नो एक कीमती चीज। तो उस कीमती चीज की माला किन्होंने डाली होगी अपने बच्चों के गले में, जो काफी अमीर हैं, जो अच्छी स्थिति में हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं तो वो ये उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे बच्चों को सुख साधन जो है या तांबे के जो सामान हैं वो उनके साथ रख दीजिए, जो ये प्रॉपर्टी उनके साथ आफ्टर लाइफ में इस्तेमाल हो। लेकिन जो कॉमनर्स हैं उनके पास कुछ है ही नहीं प्रॉपर्टी, उनके पास कोई सामान नहीं है, तो वो क्या दें अपने बच्चों को, वो नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हैं देर इज़ अ सोशल डिफरेंस। तो आपने देखा शवाधान में भी आपने सामाजिक विभेद देखा, और दूसरी तरफ आप सामाजिक विभेद देख रहे हैं किसमें, मकानों के बनने में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शिल्प यानी आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। हम देखते हैं कि यहां के लोग तांबे के शिल्प कर्म में एक्सपर्टीज थे, क्या थे, दक्ष थे। कॉपर स्मिथ का जो वर्क होता है उसमें वो लोग क्या थे, एक्सपर्ट थे। बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं वहाँ पर तांबे के सामानों में, जैसे तांबे की बर्छी हो गई और कुंडल हो गए, बंसी बंसुली हो गई, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यानी तांबे के कर्म में वो परफेक्ट थे, उन्हें स्मेल्टिंग और जो मेटलर्जी का पूरा टर्म है वो सब कुछ आता था तांबे के मामले में। आगे उन्होंने कुछ कीमती पत्थर जैसे कि कार्नेलियन हो गया, स्टेरॉइड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, इनके मनके और गुटिकाएं बनानी सीख ली थी या बना रखी थी, जो हमें बाद में मिली हैं। तो क्या पता लगता है कि उनकी महारत इसमें भी थी। कताई बुनाई करना जानते थे, कताई बुनाई करना जानते थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो पहले के मुकाबले यानी नवपाषाण काल के मुकाबले काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज हो चुके थे। और क्या क्या चीजें आती थी इन लोगों को, कुंभकारी, कुंभकारी के बारे में बता चुका हूं आपको, धातु कर्म बता चुका हूं आपको, है ना। हाथी दांत, जो हाथी दांत है उसके शिल्प में भी उन्हें महारत हासिल थी। और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां यानी फिगरेंस, तो ये सब चीजें वो सीखते जा रहे थे। मतलब वो लगातार अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंच रहे थे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां मैंने कोशिश की है, क्योंकि एक ही मैप पर सब कुछ दिखाना आसान नहीं है और बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। इसमें काफी साइट्स नहीं है, लेकिन कुछ मेन मेन साइट मैंने डालने की कोशिश की है। ये जोधपुरा है, ये जोधपुर है ऊपर, ये वो जोधपुर नहीं है। और ये आपका गणेश्वर है, ये गणेश्वर का साइट हो गया। ये आपका गिलुंद है, और ये आहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आप बता चुका हूं आपको इसके बारे में, तांबती वगैरह जो मैंने आपसे जिक्र किया था। ये मेहरगढ़ का साइट है जो वेस्टर्न साइड में है। और ये पूरा का पूरा जॉन जो आप देखते हैं, ये जॉन आप देख रहे हैं ना, ये जॉन पूरा पूरा जॉन आप जो देख रहे हैं, ये दैमाबाद वगैरह सब कुछ, ये पूरा जॉर्वे संस्कृति में आता है। किस में आता है, ये जॉर्वे संस्कृति है, इंपॉर्टेंट साइट है। दैमाबाद यहाँ की सबसे बड़ी साइट है, दैमाबाद जो है वो सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, और इनाम गांव में और दैमाबाद में, इन दोनों में आप देखेंगे नगरीकरण की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। होने को ये सारी ग्रामीण बस्तियां हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक घर में चार भाई होते हैं, तो अगर दो पता चला कि बेचारे अभी अपना जीविकोपार्जन भी नहीं कर पा रहे हैं, और दो जो हैं उन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो साइट क्योंकि ग्रामीण ही कही जाएगी, क्योंकि कॉमनर जो थे या एवरेज जो थे वो सब लोग कैसे थे, वो ग्रामीण संस्कृति से ही बिलोंग करते हैं।
लेकिन यहाँ पर इनाम गांव और दाइमाबाद और कुछ साइट्स और होंगी जहाँ पर काफ़ी तरक्की हो गई थी, और हमें यहाँ देखने को मिला है कि ये लोग नगरीय संस्कृति के भी कुछ लक्षण रखते थे। ऐसे ही साउथ की ये साइट आप पहले पढ़ चुके हैं, पिकली हल हो गया, मास्की, संगनकल्लू, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, ये साउथ में है बिल्कुल। ये सब साइट्स, इनमें से काफी साइट्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं नवपाषाण काल के समय। अब हम आते हैं नरहन, और नरहन है ये आपकी साइट, ये साइट आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ती है, और चिरौंद जो बिहार की साइट है, और पांडू राजा ढिब्बी, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सब साइट्स हैं, और भी साइट्स हैं यहाँ पर आपकी, एक रंगपुर और प्रभास पाटन आप देखेंगे, और कोट दीजी पढ़ेंगे, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट साइट में अगर पॉसिबल हुआ तो। तो आपको इस मैप से एक मोटा आइडिया हो गया होगा, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले ही बताया, एक ही वीडियो में या एक ही स्लाइड में सभी चीज़ें एक्सप्लेन करनी संभव नहीं है। ये पॉटरी के कुछ नमूने हैं, आप देख सकते हैं, ये लाल रंग में पुता हुआ है, ब्लैक कलर उन्होंने यूज़ किया है, और ऊपर की तरफ देखें तो वाइट कलर की लीनियर लीनियर जो हैं वो आप देख सकते हैं, रेखाएं हैं। तो ये आपका कैल्कोलिथिक एज का एक पॉटरी है, एक बर्तन है, ये आप देख सकते हैं इधर, ये जो बर्तन है आप ये देख सकते हैं लाल रंग के हैं और रैखिक रूप में कुछ बना है। ये आप देख सकते हैं टोंटीदार, टोंटीदार मग कैसे होते होंगे, तो इनसे थोड़ा अंदाज़ा आपको लगेगा, और आप अपनी तरफ से भी थोड़ा डिस्कवर करें तो आपको और क्लैरिटी होगी चीज़ों की। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और पीछे भी काफ़ी सपोर्ट किया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा ये, और आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और ये उम्मीद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई टीवी।